प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है, जो पूरी तरह ईडी के भरोसे पर चल रही है। भाजपा शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाने का झूठा आरोप लगा रही है। भाजपा शराब घोटाले में राज्य सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रही है। संचार प्रमुख शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी मानहानि केस मामले में कांग्रेस बुधवार को सत्याग्रह करने जा रही है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित प्रदेश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी है, अब लगातार झूठ के आधार पर राजनीति कर रही है। इनकी केंद्र सरकार पहले ईडी को भेज के छत्तीसगढ़ में झूठी कार्रवाई करवाती है। ईडी के द्वारा एक पटकथा रची जाती है कि छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला हो गया। उसके बाद पटकथा के आधार पर छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में आके शराबबंदी की बात करते हैं, फिर शराबबंदी के बाद शराब घोटाले की बात करते हैं, फिर बेशर्मी पूर्वक बिना तथ्यों के भारत के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद में बैठा हुआ व्यक्ति गलत तथ्य गलत तथ्य बोल के यहाँ पे जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लगातार युवाओं के हित में निर्णय ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कदम हमेशा युवाओं के हित में उठे हैं। छत्तीसगढ़ में जो युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार बंद कर दिए गए थे, पिछले 4.5 साल में खोले गए। 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई, 5 लाख से युवाओं को अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.5% से भी कम है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 8% से भी अधिक है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।